नाज़ मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर, हीलिंग ट्री हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स हज और उमरा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारे नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। बीते हुए 9 साल में परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में भारत का विकास सर्वोपरि और सभी दिशाओं में देश के हर प्रांत में सभी क्षेत्रों में लगातार रफ्तार से विकास हो रहा है। वही नरेंद्र मोदी जी का सरकार का मेरा लोकसभा क्षेत्र में भी बहुत सारे योजनाओं का लाभ हुआ है। मेरा लोकसभा क्षेत्र में पहला एक ही राष्ट्रीय महामार्ग था, अभी 12 राष्ट्रीय महामार्ग की मंजूरी और उसमें काम चालू है। बीदर शहर के अंदर आज यूजीडी 175 करोड़ की काम समाप्त की कदार पर है और 100 करोड़ से ज्यादा घर घर को सीएनजी सप्लाई की काम तेज गति से चल रहा है। और बीदर कोलार के पास बहुत शानदार 6 लेन की बाईपास हुई है। बीदर के लिए सीपेट इंजीनियरिंग कॉलेज की मंजूरती हो चुकी है और आने वाला साल में चालू होने वाला है। बीदर से करीब 13 नया रेलवेज यहां से प्रवास कर रहे हैं और 2 दशक से ज्यादा बीदर विमानयान की काम पिछला 4 साल में प्रारंभ होकर के आज बीदर बेंगलोर लोगों के लिए बहुत सुविधा हुई है। बीदर के अंदर पासपोर्ट सेवा केंद्र पिछले 5 साल से सेवा कर रही है। करीब 50,000 इस सेवा के लाभ उठा लिया है। किसानों के लिए करीब 2,60,000 किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत लाभ उठाए जा रहे हैं। करीब 3.5 लाख शौचालय, करीब 4.25 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में गैस सिलेंडर, ऐसा हर क्षेत्र में गरीब, दलित, पिछड़ा, किसान, युवा, महिला, व्यापारी, कार्मिक सभी लोगों को आज मेरा लोकसभा क्षेत्र के अंदर करीब 18 लाख लाभार्थी बन चुके हैं। तो इससे बीदर जिले का लोगों को बहुत सुविधा मिली है। जो भारत का विकास की गति में हमारा बीदर का विकास भी उसके साथ जुड़ के काम कर रहा है, ये मोदी जी है तो सब मुमकिन है। 2024 में फिर से एक बार देश के जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री का रूप में फिर से एक बार आशीर्वाद करने के लिए एक कदर पर खड़े हैं।